जी नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाता हूं इडियम्स कैसे सीखना है। फन के साथ सिखाता हूं। आपने पढ़े तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनको पढ़ाने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, तो मेरा तरीका मैं आपको पेश करता हूं। तो पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इडियम। इडियम आज हम जितने भी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ खास एक थीम पर, और वो थीम आपका होगा, देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर आ रहा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू विल फाइंड आउट कि आखिर हम आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस फिश पर। तो आज हम लोग जितने मीडियम्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे फिश पर होंगे। देखते हैं, सपोज दैट अगर मैंने पहला मीडियम यहां पे लिया, एक बार देखते हैं पढ़िए क्या लिखा है। आप बिग फिश, भाई इसमें ये वर्ड आया बिग, इसका मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट पर्सन। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, और इस इडियम को अगर अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो बहुत आसान है। आर मदर आर अ फिश इन आहर, आर मदर्स आर बिग फिश इन द फैमिली। हमारी जो माएं होती हैं वो अपने घर में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अगर मैं इसको एक सेंटेंस के फॉर्मेट में इस्तेमाल करता, सपोज दैट मैं कहता अमित इज अ बिग फिश इन आर फैमिली, तो भाई ये यहां पे वही इडियम मैंने इस्तेमाल कर लिया टेक्स्ट के फॉर्म में कि अमित इज अ बिग फिश इन आवर फैमिली। इसका मतलब अमित हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक चीफ पर्सन है, एक इसके बिना लाइफ हमारे घर की नहीं चल पाती। तो पहला दूसरा इडियम यहां पे अगर लिया जाए तो अ फिश आउट ऑफ वाटर। यहां पर फिर से एक इडियम, एक वर्ड आता है फिश, और आप सबको पता होगा कि अगर हम एक फिश को पानी से बाहर निकाल दें, जैसे कि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है H2 पानी का फार्मूला, तो भाई मेरे होता ये कि हम लोग श्वसन क्रिया इसलिए करते हैं, नाक से भी हमारे अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो हवा को फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन मछली में लंग्स नहीं होते, ये पानी मुंह से अंदर ले जाती है और गिल्स से बाहर कर देती है उसका ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करके। सोचो जरा कि अगर हम मछली को पानी से निकालेंगे तो उसको क्या दिक्कत आएगी? यस, उसे श्वसन क्रिया करने में दिक्कत आएगी। यानी अगर हम मछली को पानी से बाहर करें तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इन या एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होगा तो हम वहां पर यूज कर देंगे अ फिश आउट ऑफ वाटर। आपसे यूज कर सकते हो कि जब राहुल गांधी ने राफेल की मांग की कि राफेल के सबूत दिए जाए, सॉरी राफेल घोटाले पर उन्होंने उंगली उठाई, तो जब क्या हुआ कि बीजेपी प्रवक्ता ने उनको सबूत दिए या कुछ एग्जाम्पल दिए, तो वो थोड़ा सा उस समय बेचैनी उनको फील होने लगी कि लगता है उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था। तो इस तरीके से अ फिश आउट ऑफ वाटर अगर हम कहते हैं तो दैट मीन्स किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। मैं अगर सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, दैट मीन्स अगर मैं इनको एक टेक्स्ट में यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा, और मुझे पता है कि आप लोग एक लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे,
और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और समझें, इसे शेयर करें, और हाँ अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूले, एक थम्स अप बनता है। अगला वर्ड यहां पे लेता हूं, अगला आइडियम जो लेता हूं तीसरे नंबर पे, देखते हैं हाफिज स्टोरी। जी हाँ, सोचो स्टोरी कहानी, इससे याद आता है एक कॉक एंड गुल स्टोरी, जिसे हम कहते हैं झूठी कहानी। ठीक वैसे ही हाफिज स्टोरी, जिसका मतलब होता है अ बिग लाइन, एक बहुत बड़ा झूठ। व्हाट यू से इज अ बिग लाइन, जो कुछ तुमने कहा है, जो कुछ तुम कहते हो, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये सफेद झूठ है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो यहां पर एक आइडियम निकल के आता है, और अगला आइडियम लेते हैं यहां पे फोर नंबर पे, देखते हैं जी पढ़िए, लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। यस, एक बार फिर से पढ़ के देखिए, लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। भाई जैसे ही बात शूटिंग की आती है, दिमाग में दो पॉइंट आते हैं। पहला, मेजर राठौर जिन्होंने शूटिंग पे गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो वो शूटिंग तो गोली चलाना होता, और दूसरा शूटिंग अपने इस समय दबंग 3 की शूटिंग चल रही है सलमान खान की। तो शूटिंग के दो मतलब होते हैं, या तो किसी गोली छोड़ाना और या फिर कैमरे से शूट करना। तो भाई मेरे यहाँ पे कैमरे से शूट करना नहीं है, या गोली से उड़ाना है, और शूट किसको कर रहे हो, फिश को। और किस फिश को, जो बैरल में पड़ी हुई है, बैरल बंदूक को भी बोलते हैं, और बैरल प्लास्टिक का डब्बा भी होता है जिसमें वो कैरेट होती है। तो भाई मेरे यहाँ पर आप ये समझिए कि एक फिश, आपके पास फिश शॉप है, आपके पास कोई मछली मांगने आया, तो आप अगर बैरल से पकड़ेंगे तो आसान होगा, या तालाब से पकड़ेंगे, पकड़ के देंगे तो आसान होगा। ग्राहक आपके सामने खड़ा है, जी हाँ, बैरल में पड़ी हुई मछली आपने उठाई, भी ये 50 रुपए केजी है, आपने तुरंत पकड़ लिया, दैट मीन्स वेरी इजी। इसका ये मतलब हुआ बेहद आसान। जी हाँ, आया दिमाग में, ये वही इडियम है जिसे कहते थे चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल, उसका भी मतलब था बहुत आसान, और इसका भी मतलब है बहुत आसान। और हाँ, एक पॉइंट याद रखना, एक इडियम्स का जवाब दूसरा इडियम नहीं हो सकता। किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आपको पता है झगड़े की जड़, और इसका मतलब आपका जो दूसरा इडियम है अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, तो अगर आपसे पूछे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो कभी उसका आंसर अ बोन ऑफ कंटेंशन मत करना, क्योंकि इडियम का जवाब कभी इडियम्स नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं, पढ़िए जी। जी हाँ, नीदर फिश नॉर फाउल। हाँ जी बिल्कुल, इसे नाइदर फिश नॉर फाउल भी पढ़ते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ना तो ये मछली है और ना ही ये फाउल है। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि जो ऐसा कैरेक्टर जो ड्यूबियस हो, यानी जिसके बारे में हम कुछ ना कह सके, या ऑफ इनडेफिनेट कैरेक्टर, जिसके चरित्र के बारे में हम पहले से कुछ नहीं जानते, आई कांट से अबाउट हिम बिकॉज ही इज नीदर फिश नॉर अ फाउल, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो ड्यूबियस है, किसी के सामने स्पष्ट ही नहीं होता। अगले डीएम की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ें। बैटर फिश टू फ्राई, जी हाँ। और दूसरा एक इडियम पूछा जाता है, ये बैटर फिश टू फ्राई अथवा हैव अनदर फिश टू फ्राई, दैट मीन्स
टू हैव एनदर मैटर टू डील विथ, टू हैव एनदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। जब आप ये कहते हैं, आप अपनी मम्मी से, आप कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं, आप छोटे हैं, आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी नाराज होकर बोलती है, अरे मेरे पास और भी तो काम है भाई, मैं तेरी तैयारी देखू या घर का काम भी देखू। तो इस तरह से ये पहला आइडियम पढ़िए क्या लिखा है। जी हाँ, अब बिग फिश पढ़ने से ही समझ में आ रहा है बड़ी मछली। इसका ये मतलब हुआ कि एक इंपॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगला पॉइंट आता है कि अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली जो पानी से बाहर है, मतलब इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अगला पॉइंट आया तुम्हारा फिश स्टोरी, एक बड़ा झूठ। अगला लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत आसान काम, एक मछली को आप शूट कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं जो कि बैरल में पड़ी हुई है, एक कैटर कैटर्स में पड़ी हुई है। अगला आइडिया आता है नीदर फिश नॉर फाउल, दैट मीन्स जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है, वो डाउटफुल कैरेक्टर वाला व्यक्ति, जो इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जिसके आइडिया हमेशा अंदर की तरफ जाते हैं, उसकी बातें समझ में नहीं आती, एक्चुअल में करना भी चाहता है। अगला देखते हैं हम लोग, बैटर फिश टू फ्राई या हैव एनदर फिश टू फ्राई, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास और भी कुछ काम है। चलते हैं आगे, तब तक जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और उसे जल्दी से नोट करिए, और हाँ अगर मजा आया हो तो एक थंब तो बनता है। अगला आइडिया देखते हैं भाई, पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, कैटल पे ध्यान देना, ये CAETTLE नहीं, KETTLE कैटल, और कैटल वही जो हमने पहले पढ़ा था, कैटल जो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का एक पात्र होता है, और ये वही पात्र है जिसको देखकर एडिशन के अंदर ये सॉरी जेम्स वाट के अंदर ये फीलिंग आई थी कि भाव में बहुत ज्यादा ताकत होती है, इस कैटल को यहां पे यूज किया गया। और फिश तो ऑलरेडी अभी पिक्चर के माध्यम से, अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश दैट मीन्स अनकंपेरेबल। जिनके साथ कोई कंपेयर ही ना हो, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। जैसे वर्तमान में इस समय 2019 और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है, जी हाँ लोकसभा चुनाव 2019 की, और प्रधानमंत्री पद के दो लोगों की दावेदारी ज्यादातर दिखाई जा रही है केंद्र पर, और जी हाँ अपने नरेंद्र मोदी और अपने राहुल गांधी जी को। अब देखते हैं यहां पर क्या है कि अगर इन लोगों के बीच में कंपेयर किया जाए, तो आप लोग पब्लिक ओपिनियन देखते हैं डेली कि क्या चल रहे हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट कैटल ऑफ फिश दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में हम कंपेयर करवा रहे हैं। हाँ दोनों का क्षेत्र सेम है, दोनों ही जो डिपेंड करते हैं वो पॉलिटिकल इनका करियर है अपना, लेकिन दोनों मैचलेस है, दोनों में कोई कंपेयर नहीं है, दोनों की अलग अलग प्रतिभाएं हैं। और आखिरी आइडियम मैं फिश पर लेता हूं, पढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर वही आइडियम आपके सामने है, ड्रिंक लाइक अ फिश, एक फिश की तरह ड्रिंक करना। तो भाई मेरे, आप अभी फिश का मैंने जो पिक्चर बनाया हुआ था यहां पे, आप देख सकते हैं कि जो फिश आप मछली जो पानी पीती है उसका तरीका, पानी क्यों पीती है, ताकि वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। अब पानी पीने का जो उसका तरीका है, वो पानी पीने के बाद उसे अपने जिस्म से बाहर निकालती है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन जाए, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो भाई मेरे, ऑक्सीजन हम कितनी बार लेते हैं,
हर पल लेते हैं, यानी जो व्यक्ति मछली की तरह पीता हो। अब यहां पीने का मतलब तो आप समझते हैं ड्रिंक करने का, हाँ वही बुद्धि विकास केंद्र का, जी हाँ। तो यहां पे ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना। टू है एक्सेसिव अल्कोहल, तो इस तरीके से ये इडियम आता है टू हैव एक्सेसिव अल्कोहल। तो भाई ये थे इडियम्स, और एक चीज चलते चलते मैं जरूर कहूंगा, इडियम्स एक्चुअली में सेट ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का सब, जिसका कभी भी हम लोग मीनिंग नहीं है, जैसा वो लिखा है वहां से नहीं, बल्कि इसका एक लॉजिकल मीनिंग होता है, एक अपना मीनिंग होता है, वहां से लेना होता है इसका। और ये हर एसएससी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पूछे जाने के तरीके कुछ अलग अलग होते हैं। अगर अपना डिफेंस पूछता है तो डिफेंस में भी अगर एक्स और वाई ग्रुप के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके सामने सीधे लिखा होगा ड्रिंक लाइक फिश, और आपको मीनिंग क्लियर करना होगा, चार ऑप्शन में से टिक लगाना होगा। एनडीए में 5 क्वेश्चन होते हैं, एनडीए भी आपसे आपको डायरेक्ट मीडियम पूछता है या तो एक सेंटेंस में इनको यूज कर लेगा और फिर आपसे पूछेगा। पूछे जाने का तरीका जी, जैसे कि मैं टेक्स्ट के फॉर्म में बोल रहा हूं, तो जैसे अपना एसएससी पूछती है तो डायरेक्ट पूछ लेगी, और दूसरा जैसे मैंने यहां पे नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी, या मिस्टर नरेंद्र मोदी या मिस्टर राहुल गांधी, यहां पर गांधी का मतलब मेरा राहुल गांधी से, महात्मा गांधी से बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर गांधी आर डिफरेंट केटल ऑफ फिश। अब यहां पे ये एडियम यूज किया गया, और सपोज दैट, चूंकि अब देखो ये ए यहां पर जरूरी इसलिए नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड, क्योंकि यहां बात दो लोगों की बात हो रही है। अब यहां पे इसका मतलब हम इसे हटा देते हैं, अब देखते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर राहुल गांधी आर डिफरेंट केटल ऑफ फिश, अब उसने अंडरलाइन कर दिया इसे और पूछा इसका मीनिंग क्लियर करिए। तो भाई मैंने आपको इसका मतलब पहले से पता है कि ये अनकंपेयरेबल है, इनके बीच में कोई कंपेयर की ही नहीं जा सकती, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सेंटेंस के फॉर्म में पूछा जाता है, डायरेक्टली वहां पे पूछा जाता है इस तरीके से। आज के इतना ही, जय हिंद, और जाते जाते लाइक करना ना भूलें।